वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, वो बहुत ही हमारे लिए फ्रूटफुल होता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको पूरी तरह समझेंगे कि कहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नाम से घबराने वाली बात नहीं है। जैसा बोला है फ्री बॉडी, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं थ्योरेटिकली कि पहले ये समझ लेते हैं कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बोलते किसे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम की बात अगर हम करें तो फ्री बॉडी डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के फॉर्म में दिखाने वाला रिप्रेजेंटेशन है, इन विच द बॉडी अंडर स्टडी, जिस बॉडी के हम स्टडी कर रहे हैं उसको बाकी बॉडी से, सिस्टम से हम फ्री कर लेते हैं। देखिए, जैसे बोला है ना फ्री बॉडी डायग्राम, तो जिस बॉडी की आप स्टडी कर रहे हैं, जिस बॉडी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसको सिस्टम से फ्री कर दीजिए, तो वो क्या बन गया? फ्री बॉडी डायग्राम। बस इतनी सी बात है। और अच्छे एक्सप्लेनेशन समझने के लिए एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए, सपोज करिए दो ब्लॉक थे जो आपस में इस तरह अटैच हैं और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हैं और एक धागे से या स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और यहाँ पे एक सर्टन फोर्स लगाते हैं आप इसको मूव करने के लिए। सपोज करिए पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से मूव करने लगता है। अब ये सिस्टम पूरा ए से मूव अगर कर रहा है, तो उस समय अगर हम इस बॉडी का टेंशन निकालना चाहें, यहाँ इस टी का, इसकी हम बात करें, तो हम इतने हिस्से को, ये देखिए जो इतना हिस्सा है, इसको सिस्टम से फ्री कर लेंगे। और फ्री करके देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका डायग्राम अलग से बना लेंगे। ऐसे बना लिया, ये बन गया हमारा एम वन, और लेग्स पे लगने वाले जितने फोर्सेस हमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, जो हो सकते हैं, सब के सब मेंशन कर लिए। अब इसको हमने काट के निकाल लिया ना यहां से, इस सिस्टम से, और यही कहलाएगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। यही हमारा क्या कहलाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि इस बॉडी का जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको सिस्टम से ही फ्री कर लिया हम लोगों ने। अब हम ये समझ सकते हैं कि टेंशन टी है, और यही जो टेंशन है इसके मास इंटू एक्सलेशन के बराबर है, यानी एम वन इंटू ए के बराबर है। तो ये एम वन ए के बराबर हो गया, तो ये सिंपली इसको आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ये अपने पास क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला गया है, एज शोन इन द फिगर, ये फिगर है जिसमें तीन ब्लॉक है हमारे एम वन एम टू एम थ्री, दो तीनों के तीनों धागे या रस्सी से बंधे हुए हैं। आप जानते हैं कि रस्सी अगर मासलेस वगैरह है, अनस्ट्रेचेबल वगैरह है, तो टेंशन सेम होता है, और जिस जगह पे रस्सी बंधी होती है उससे अवे होता है टेंशन। और यहाँ पे एक सर्टन फोर्स एफ लगा दिया जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 50 न्यूटन का, ये फोर्स टोटल लगाया हमने यहाँ पर 50 न्यूटन का, तो फोर्स लगा दिया। अब ये कह रहे हैं, ये बताइए कि टी वन टी टू की वैल्यू क्या होगी, जो टी वन टी टू बता के रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, बाकी मासेस की वैल्यू भी दे रखी है, एम वन एम टू एम थ्री सब दे रखा है। अब इसको निकालने के लिए जब हम चलेंगे ना, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जब हम एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं इसका क्या आ जाएगा हमारा। फ्रेंड, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि टेन जो फोर्स है 15 न्यूटन का, इस पे जो एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब हम पूरा एज ए सिस्टम वन सिस्टम ले लेते हैं, क्योंकि सभी धागे से या स्ट्रिंग से बने हैं तो एक एक्सेलेरेशन में होंगे, तो टोटल एफ इजिकल टू एम ए लगा देते हैं पहले तो हम पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। पूरे सिस्टम के लिए लगा दिया, तो 15 न्यूटन का टोटल फोर्स है, और टोटल मास क्या है, देखिए m1 प्लस m2, ये टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये इसका टोटल मास हो गया, और इसको एक्सेलेरेशन जो निकलने वाला है इसको a लिख दिया। तो यहां पर ये सिंपल आपने लगा दिया, a इज इक्वल टू 50 अपॉन M1, M2, M3 जोड़ दीजिए, तो 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 और 15 30, तो इसको कर दिया हमने 30, तो एक्सेलेरेशन आ गया आपका 50 अपॉन 30, यानी 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलेरेशन लिया, ठीक, ये इसका एक्सेलेरेशन आ गया। अब लेकिन T1, T2 निकालना हो तो आया नहीं। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करेंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम में इस बॉडी को यहां से अलग काट के निकाल लेंगे, फ्री कर देंगे सिस्टम से। तो ये जो बॉडी हमारे पास है, ये देखिए, जैसे उन्होंने पिछली बार बात की थी, इस पे जो टेंशन लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है कौन सा, T2, और ये मास है इसका M1, यही मास तो इसको एक्सेलेरेशन दे रहा होगा ना, फोर्स T2, तो ये लिख देंगे यहां पर T2 इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का A है, इसका भी A होगा, तो T2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, T2 इज इक्वल टू
M1 देखिए, M1 यहाँ कितना दे रखा है 5 किलोग्राम, तो इसको हमने लिख दिया 5 kg इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन 5/3 निकाल रखा है, तो ये हो गया 5/3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/3 जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो ये 25/3 यानी 8.33 न्यूटन निकल के आ गया। तो इसी तरीके से 8.33 न्यूटन हमारा निकला। और यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, FBD यूज किया। अब देखिए यहाँ पर जो T1 निकालना था, T2 तुम्हारा निकल आया, तो T1 निकालना भी बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने इस वाले बॉडी को फ्री कर दिया सिस्टम से, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो ये देखिए, ये इसका रहा ब्लॉक, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं, यहां पर इस पर फोर्स क्या लग, जो फोर्सेस इस पे लग रहे केवल वो लेने हैं, और इधर एक फोर्स लग रहा है टेंशन का। तो ये जो टेंशन का फोर्स है ये है T1, और इधर लगने वाला जो फोर्स है F यानी है 50 न्यूटन। तो T1 उल्टा लग रहा है, एक्सेलरेशन आगे है, यानी T1 F में से यानी 50 न्यूटन में से हम अगर T1 घटा दें तो हमें मास इनटू एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब मास M3 का कितना है, 15 kg, तो 15 और इनटू एक्सेलरेशन 5/3 ये लगा दीजिए। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये देखिए 3 से काटा, 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, तो 50 में 15 आप घटा दीजिए, तो 50 में 15 घटा देंगे तो ये T1 जो वैल्यू आपकी आती हुई दिख रही है ये हो जाएगी 25 न्यूटन। 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 50 में 25 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 न्यूटन। और इस तरीके से देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपने यहां भी लगाया, और लगाने से आपकी बात बन गई ये। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम का, जहां जहां आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात है फ्री बॉडी डायग्राम की, हम लोग उस बॉडी को सिस्टम से फ्री कर लेंगे, लगने वाले जितने फोर्सेस हैं नोन अननोन सबको शो करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आया तो शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए भी कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।